हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस बार बेंडिंग शेड्यूल के लाइव डाउट सेशन में आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर आज टी शर्ट में कैसे हैं, अपने फुल गेटअप और सेटअप के साथ क्यों नहीं है। तो मैं इंजीनियर्स आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़ और जिस डिस्ट्रिक्ट हम रहते हैं दुर्ग भिलाई, वहाँ पर कम्प्लीटली लॉकडाउन हो गए और ये वीडियो मैं आपके लिए मेरे घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी पर्सनल चेयर के साथ। सो इंजीनियर्स, आज का जो डाउट सेशन है उस पर हम बातचीत करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स टॉपिक्स के बारे में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे पूछते थे कि सर जो अपडेट है वो क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, क्या उसका पार्ट रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो पे आगे ज़रूर बताऊँगा। और इंजीनियर्स, पहले तो मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें जानना चाहूँगा, आप ज़रूर इस पर कमेंट करके बताएं कि आपका जो एरिया है, आपका जो लोकेशन है, वहाँ पर कैसा इफेक्ट चल रहा है कोरोना का, क्या आपको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और क्या सारी चीज़ें आप भी सफ़र कर रहे हैं जैसे हम भी अटक चुके हैं एक पर्टिकुलर पार्ट पे आके, तो सिमिलरली आप भी कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आप बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हैं जिससे आप आगे निकल के आना चाहते हैं। सो इंजीनियर्स, जैसे कि जो जर्नी आपकी रही कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कोर्स की, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल पे आपसे जानना चाहूँगा। आप डिस्कशन सेक्शन में आज तक आपने हमसे डाउट्स बहुत सारे पूछे हैं इंजीनियर्स, बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करूँगा कि जो आपको थीम, जो कॉन्सेप्ट सिविल गुरु जी का कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कोर्स का आपको कैसा लगा, क्या उसके बेनिफिट्स हुए, ज़रूर वो भी डिस्कशन सेक्शन पे आप बताइए। रिव्यूज़ दीजिए हमारे गूगल ऐप एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर पर सिविल गुरुजी के लिए कि क्या थीम आपको अच्छी लगी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, क्या आपके स्किल सेट पर चेंजेस आए, कैसे आप ग्रोथ कर पा रहे हैं और क्या बेनिफिट्स आपको हुए सिविल गुरुजी का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स लेकर। सो इंजीनियर्स, आई होप कि मेरी इस रिक्वेस्ट को आप ज़रूर फुलफिल करेंगे और डिस्कशन सेक्शन पर अपने रिव्यू ज़रूर देंगे कि आपको कैसा हमारा कोर्स लगा। तो आइए थोड़ी सी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि BBS का जो आपकी डिमांड्स थी इंजीनियर, कि सर और कौन कौन सी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। तो इंजीनियर्स, बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए, मैं ये बता दूं कि मंडे को न्यू वीडियोस अपलोड होने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के कैलकुलेशन के पार्ट पे, जिसमें कि टू वे स्लैब का कैलकुलेशन विथ एनिमेशन, टू वे स्लैब का साइट विजिट जो कि आज आपके लिए एक स्पेशल थीम है, वो भी मैं आगे चल के आपको जरूर बताऊंगा, टू वे स्लैब का साइट विजिट, उसके बाद क्रैंक लेंथ कैलकुलेट करना, चेयर बार कैलकुलेट करना, उसी के साथ साथ अलग अलग कॉलम पर कहाँ लैप आते हैं उसके हिसाब से कैसे हम लैप लेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल, ये पूरा का पूरा वीडियोस आर रेडी टू लॉन्च। अब बस वो वेबसाइट पर डल के आप तक पहुंचने की ही देरी है। मंडे को आपको इवनिंग तक के सारे अपडेटेड वीडियोस जो मैंने अपडेट किए सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट पर, वो मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद इंजीनियर्स, एक और बहुत अच्छी पार्ट जो मुझे लगा, मुझे डिस्कशन सेक्शन पर जो देखने को मिला कि आप इंटरेस्टेड हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो मैंने उस पर भी अपनी स्ट्रैटर्जी पर काम करना चालू किया है। जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर और भी अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम बिल्डिंग कंपोनेंट के प्रस्पेक्टिव पर ही बात करें तो उसका भी आप BBS इंक्लूड करिए, तो मैं भी उसके प्लानिंग पर आगे बढ़ चुका हूँ कि कैसे आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें प्लान करके लेकर आऊँ। नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, एक कमेंट मैंने पढ़ा कि सर जो प्रॉपरली बिल बनाना है, अगर हम बात करें उसका रिपोर्टिंग, जो हम टेबल बनाए अभी जो आप लोगों को मिला है कि फुटिंग के जो कोर्स लेक्चर से वीडियोस हैं उस टेबल को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, एक कमेंट भी था कि सर आप भी प्लीज़ उस टेबल को हर एक पार्ट के लिए बनाएं, तो बिल्कुल मैं आप लोगों को डिटेल पे फुल्ली डिटेल, जैसे आपने एस्टिमेशन में BOQ पढ़ा है गाइज, फर्स्ट टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरे एक प्रोजेक्ट का BOS बिल ऑफ स्टील हम निकालेंगे पूरे एक प्रोजेक्ट का। ये मैं बहुत ही जल्द अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए पूरे के पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल के पार्ट में, क्योंकि आपने जो सपोर्ट और लव सिविल गुरुजी को दिया है, अपना साथ अपना विश्वास हम पर बनाए रखा है, उसी के रिस्पेक्ट में हमें और इंटरेस्ट आता है और हम और एनर्जेटिक और एंथुजियास्ट हो जाते हैं कि आपके लिए जितना कर सकते हैं, जितने अपने तरफ से हम एफर्ट्स कर सकते हैं वो आपके लिए ज़रूर करेंगे।
तो मंडे को आपके पास कोर्स में न्यू वीडियोस अपडेट हो जाएंगे जिसकी तैयारी हो चुकी है। लॉकडाउन होने से पहले ही मैंने सारी चीजें तैयारी करके रख ली थी, जैसे जैसे हम बात करते जाते थे हर पूरे के पूरे डाउट सेशंस में कि सर आप पूछते थे कि सर कब वीडियोस नए लॉन्च होंगे, कब कैसे वो लेकर आएंगे, तो ये सारी चीजें हमने अपडेट कर दी हैं प्रॉपरली। और देखिए अभी किसी का फोन भी आ रहा है क्योंकि डाउट सेशन है, लोगों को पता चल चुका है शायद, लेकिन फिर भी पर्सनल नंबर पे कॉल आ रहे हैं। लेकिन अभी कॉलिंग का प्रोसीजर नहीं है इस लॉकडाउन तक, क्योंकि हमारे जो डाउट सेशन का प्रॉपरली सिस्टम है वो हमारे इंस्टीट्यूट पर है और हम घर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज के डाउट सेशन पे प्रॉपरली हम डाउट्स की क्वेरीज पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम वन टू वन इंटरेक्शन और जो आपके रिव्यूज हैं वो चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एज वेल एज मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप और कितनी चीज़ें और क्या चाहते हैं जो चीज़ें अपडेट हों, ताकि आगे चलकर हम कोई और कोर्सेज बना सके। इस पार्ट पे तो इतना ही अपडेट होगा जो मंडे को पूरा अपडेशन मैं लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद एक अपडेट और होने वाला है, दैट इज बिल ऑफ स्टील की कैसे हम उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में ये सारी चीज़ें अपडेट होने के बाद मेरा BBS का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप और कौन कौन से पार्ट्स में इंटरेस्टेड है बिल्कुल मुझे डिस्कशन सेक्शन पर बता सकते हैं। और आज आपके लिए जो एक खास चीज़ है, तो मेरा इस लाइव जो अभी मैं आपके सामने हूँ इसके एंड होने के बाद स्टार्ट होगा, वो पर्सनली आप लोगों के लिए साइट विजिट है, टू वे स्लैब का और वन वे स्लैब का साइट विजिट डिटेल पर, जो कि रिकॉर्डेड है, जो मैंने आपके लेक्चर के लिए ही बना के रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको इंट्रोडक्शन आज ही कर दिया जाए, आपके लिए सरप्राइज भी होगा। कैसे वो टू वे स्लैब बना उसका पूरा साइट विजिट डिटेल पर मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है, तो वही इस लाइव सेशन के बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। होप इंजीनियर्स आगे भी जो डाउट सेशंस है, मैं आपको ये अभी गाइड भी कर देता हूँ, आपके जो भी डाउट सेशंस है आगे जब तक हमारे यहाँ लॉकडाउन है, उसे आप प्रॉपरली डिस्कशन सेक्शन पर ही अपने क्वेश्चंस पूछें और ट्रेनर्स उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे इस तरह नॉर्मल अपने घर से, क्योंकि सब लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर पे फंसे हुए हैं, और वो वीडियो वहीं से ही किसी ना किसी तरह से आपको पहुंचाएंगे। डिस्कशन सेक्शन में अभी आपको अपने पूरे डाउट्स और क्वेरीज लिखने हैं, आपको कोई भी डाउट्स और क्वेरीज कॉल करके अभी नहीं पूछना है। जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होता है और वापस से हमारी जो ऑफिस सेटअप है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो स्टार्ट होता है, तो हम फिर से आप लोगों के लिए पूरा का पूरा पार्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता मैं बातचीत करने में और डिस्कशन करने में, आइए बहुत ही जल्दी से शुरू करते हैं हम साइट विजिट टू वे स्लैब का, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा साइट विजिट वन वे स्लैब का। तो आइए शुरू करते हैं। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर आकाश भोरे, आज मैं आपको डिटेल पर साइट पर लेके आया हूँ टू वे स्लैब के बारे में जानकारी देने के लिए। जैसे कि हमने वन वे स्लैब का साइट विजिट किया, बहुत अच्छे से डिटेल पर समझा कि वन वे स्लैब क्या होता है और उसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टू वे स्लैब कैसे बनता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपने कैलकुलेशन में तो टू वे स्लैब को पूरा कैलकुलेट कर ही लिया है, एनिमेशंस के फॉर्म पे भी देख लिया है कि कैसे बांधा जाता है टू वे स्लैब। आज हम इस साइट पर भी आके देखेंगे कि कैसे टू वे स्लैब वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट को लर्न किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल डबल मैश आ रहा है टू वे स्लैब में। यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेनफोर्समेंट है, सिमिलरली उस पोर्शन पे भी ऊपर और नीचे रेनफोर्समेंट है, सिमिलरली इस पोर्शन पे भी, और इस चारों सपोर्ट टू वे स्लैब में चारों डायरेक्शन पर क्रैंक बार आता है हमारा, उसका पर्पस यही है। और जो सेंट्रल पोर्शन है टू वे स्लैब का, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल मैश नहीं है, वो इस वजह से कि जब स्लैब पर लोड आता है ऊपर से तो जो शेप हमारा इस तरह का लेता है, तो उसके नीचे पोर्शन पर टेंशन जोन क्रिएट होता है, और जैसे ही लोड अपने सपोर्ट यानी कि बीम, जो अपने बीम के तरफ ट्रैवल होता है, उस केस में जो सपोर्ट है उसका, जो लोड है उसका जो मूवमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है। इसी वजह से हमें क्रैंक बार चढ़ाना पड़ता है और उसको सपोर्ट पे डालना होता है, ये रीज़न होता है क्रैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है। अब अगर मैं आपको डिटेल पर बताऊं कि जो टू वे स्लैब है वहाँ पर हमारा स्लैब के स्पान के हिसाब से किस तरह से रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग होती है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिटेल पर आपसे, तो जो हमारा इस स्लैब का स्पान लेंथ है वो है 13 फीट क्रॉस 14 फीट का हमारा स्लैब है। अगर मैं आपको बताऊँ ये हमारा 13 फीट का स्लैब स्पान है और सिमिलरली ये हमारा 14 फीट का स्लैब स्पान है।
अब टू वे स्लैब में हमेशा शॉर्टर स्पान, जो छोटा स्पान होता है, आप आंख बंद कर साइड पर इस चीज़ को काम कर सकते हैं, जो हमेशा छोटा स्पान होता है वहीं पर ही रेनफोर्समेंट सबसे पहले लगता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारा शॉर्टर स्पान, क्लियर, शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग ही हमारा सबसे छोटा जो सबसे पहला रेनफोर्समेंट प्लेस होता है। देखिए, ये हमारा शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग पूरा का पूरा ये रेनफोर्समेंट प्लेस हुआ, ये हमारा 13 फीट, क्लियर, 13 फीट के अलॉन्ग ही देखिए हमारा पूरा का पूरा सबसे पहला रेनफोर्समेंट जो बिछा हुआ है वो लगा हुआ है पूरा का पूरा कंटिन्यू एंड तक, क्लियर इंजीनियर्स। अब यहाँ पर कंटिन्यूस क्रैंक आते हैं हमारे, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अल्टरनेट होके दोनों साइड लगता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहला रेनफोर्समेंट जो ये बिछा हुआ है, ये हमारा 10 mm का रेनफोर्समेंट है, ये हमारा मेन बार कहलाता है। और टू वे स्लैब के केस में जो दोनों डायरेक्शंस होते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इस डायरेक्शन पर भी क्रैंक आप देख सकते हैं और इस डायरेक्शन पर भी क्रैंक है। ये डायरेक्शन पर क्रैंक आने का मतलब ये है कि वन वे स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो टू वे स्लैब होता है तो टू वे स्लैब में दोनों बार एज अ मेन बार एक्ट करने लगते हैं, जो कि शॉर्टर स्पान पर लोड पहले ट्रैवल होता है और मैक्सिमम लोड की, क्योंकि शॉर्टर स्पान है तो लॉन्गर बीम का सपोर्ट आएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम लोड जाएगा, इसी वजह से वहाँ पर डाया भी ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डाया मेन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का अलग अलग भी होता है, सेम भी होता है, लेकिन मेन बार का डाया कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार के डाया से छोटा नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा मेन बार जैसी अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो कैलकुलेशन पे भी, देखिए अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न में एक क्रैंक यहाँ है तो यहाँ पर ये फ्लैट गया है, फिर एक क्रैंक यहाँ है, फिर फ्लैट गया है, फिर यहाँ क्रैंक है, फिर फ्लैट, फिर क्रैंक, ये अल्टरनेट पैटर्न पर हमारा क्रैंक बार लगता रहता है। सिमिलरली जैसे ही हमारा ये शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग सबसे पहला मेन बार बिछ जाता है, उसके बाद टू वे स्लैब में नेक्स्ट पार्ट जो इसका लॉन्गर स्पान है वहाँ पर क्रैंक बार लगेगा, जिसको जो वो भी एक्ट करेगा एज अ मेन बार। क्यों? क्योंकि टू वे स्लैब में चारों सपोर्ट्स पर, चारों बीम पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए अल्टरनेट क्रैंक बार लगा हुआ है, यहाँ क्रैंक है, फिर यहाँ फ्लैट, क्रैंक, फ्लैट, क्रैंक, सेम इस डायरेक्शन पे भी अल्टरनेट क्रैंक बार के पैटर्न पे पूरा का पूरा जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसकी प्लेसिंग होती है। जैसे ही हमने देखा कि मेन बार लग गया और हमारा जो टॉप मेन बार था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार वन वे स्लैब में, लेकिन टू वे स्लैब में भी हम उसको मेन बार कहेंगे, दोनों अपने क्रैंक के पोजीशन पर लग जाते हैं। इसी वजह से जब हम क्रैंक लेंथ जब हमने कैलकुलेट किया था कैलकुलेशन के पार्ट में, तो जो नीचे वाला बार था उसका क्रैंक लेंथ अलग आया था क्योंकि वहाँ पर एच का वैल्यू अलग था। अब आप समझ में आए कि एच का वैल्यू क्यों दोनों क्रैंक के लिए अलग निकलेगा, क्योंकि ये बॉटम पर रखाया हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर जो हम एच का वैल्यू निकालते हैं क्रैंक के लिए, उसकी वैल्यू अलग आती है। और सिमिलरली जब ये वाले क्रैंक की बार की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये मेन बार के ऊपर रखी हुई है, इसी वजह से इसकी जो क्रैंक लेंथ है वो अलग आएगी, वो दूसरे तरह से आएगी, क्लियर है। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारा सबसे पहले दोनों मेन बार का प्लेसमेंट या पोजिशनिंग होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो अब क्रैंक ऊपर आया, तो क्रैंक ऊपर आने के बाद क्या लगेगा? टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा हमारा। अब टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरह से लगता है, अब पहले मैं बात करूं कि जो सबसे पहला शॉर्टर स्पान में चढ़ के ऊपर क्रैंक आया था, अब जो ये क्रैंक बार ऊपर चढ़ गया, तब इसको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर भी तो इसको सपोर्ट चाहिए, तो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्लियर। ये क्यों लगती है? क्रैंक ऊपर के क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ से क्रैंक चढ़ के आया तो इस साइड के क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगा, तो सिमिलरली जब इस साइड भी क्रैंक चढ़ के ऊपर आएगा तो यहाँ के क्रैंक को भी सपोर्ट करने के लिए देखिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिमिलरली ये ऐसा हमारे चारों डायरेक्शन के साथ होगा, जब क्रैंक उस साइड भी है तो वहाँ पर भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, क्रैंक उस साइड भी गया हुआ है तो वहाँ पर भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो इस तरह से जो हमारा पूरा का पूरा पार्ट है, क्लियरली यहाँ पर मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से प्लेसिंग होती है। अब जो नेक्स्ट जो बार हमारा लगता है वो किस तरह से पोजीशनिंग और प्लेसिंग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो दो क्रैंक है ना, अब इसके बीच का स्पेसिंग तो प्रॉपरली 100 mm, क्लियर, लेकिन जो दो बार क्रैंक बार के बीच का स्पेसिंग हो जाता है वो डबल स्पेसिंग हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों बार के बीच का जो स्पेसिंग हो गया हमारा क्रैंक ऊपर जो चढ़ गया है वो डबल हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पर जो नेगेटिव मूवमेंट जिसके वजह से हम ये क्रैंक को ऊपर चढ़ाते हैं, ये नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से हमको क्या है, बीच में भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है ऊपर के साइड, क्लियर। इस वजह से ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार हमको लगानी होती है हर अल्टरनेट क्रैंक के बीच में, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ टॉप एक्स्ट्रा आया, यहाँ टॉप एक्स्ट्रा आया, दो क्रैंक के बीच में हमको प्रॉपरली टॉप एक्स्ट्रा को लगाना होता है,
क्लियर वे में। तो इसी तरह से टॉप एक्स्ट्रा इस डायरेक्शन पे भी लगेगा, सिमिलरली उस डायरेक्शन पे भी, और उस डायरेक्शन पे भी टॉप एक्स्ट्रा लगेगा। अब जैसा कि हमने पूरे वीडियो में कैलकुलेट किया और समझा कि जब टॉप एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो पूरे स्पान पे नहीं लग रहा है, क्लियर। वो कितने स्पान में लग रहा है, वो क्यों लगता है, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं बताया, वो मैं आपको यहाँ पर भी डिटेल पर बताता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो टॉप एक्स्ट्रा हमारा लगता हुआ है, आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा क्लियरली कि जो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ लगता हुआ आया है, यहाँ तक आने के बाद वो टॉप एक्स्ट्रा लगना बंद हो गया, क्लियर। जैसे कि हमने कैलकुलेशन पार्ट पर भी देखा है, इस पोजीशन तक आने के बाद टॉप एक्स्ट्रा बंद हो गए, कहाँ से, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बार आना चालू हो गया, क्लियर। इस वाले क्रैंक के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा था, वहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन बार आना चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि जब ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पर लगता तो ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हो जाता, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वही टॉप एक्स्ट्रा का काम कर देता है, क्लियर। यहाँ पर जो इस डायरेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बार है क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए, वही क्या कर देता है, आपका पूरा का पूरा आपका टॉप एक्स्ट्रा का काम कर देता है। इसी वजह से टॉप एक्स्ट्रा केवल हमको जो हमारा L बाय फोर जोन यहाँ से छोड़ के, L बाय फोर जोन या L बाय थ्री जोन, जो भी आपके ड्राइंग पे मेंशन है, उसको छोड़ के सिर्फ इसके सेंट्रल पार्ट पर ही हमारा टॉप एक्स्ट्रा आता है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन पार्ट पे देखा है। सिमिलरली इस स्पान के लिए भी जो अल्टरनेट क्रैंक है, आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट क्रैंक पे जो हमारा टॉप एक्स्ट्रा लग के बाहर आया है, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन पे टॉप एक्स्ट्रा क्यों नहीं लगा है यहाँ पर, क्योंकि इस डायरेक्शन पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो एज अ टॉप एक्स्ट्रा एक्ट कर रहा है पूरे के पूरे स्लैब में, क्लियर। तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि हमने कैलकुलेशन पार्ट पे भी देखा है और पढ़ा है प्रॉपरली कि क्रैंक कहाँ से आता है, क्यों दिया जाता है प्रॉपरली, मैंने आपको बताया डिटेल पे पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट जहाँ से चेंज होता है, तो यहाँ पर ही वो जोन है, वो पार्ट है जहाँ से मूवमेंट चेंज होता है, और उस मूवमेंट को चेंज होने की वजह से हमको क्रैंक चढ़ा के हमको सपोर्ट्स तक पहुँचाना होता है पूरे के पूरे बीम को, पूरे के पूरे हमारे रेनफोर्समेंट के पार्ट को। तो अब इस क्रैंक का जो डिस्टेंस है वो आपके क्लियरली ड्राइंग पर मेंशन रहता है कि आपको कितने डिस्टेंस तक क्रैंक लेके आना है। अभी इसके जो मैंने आपको ड्राइंग रीडिंग का भी एक वीडियो का पार्ट है, उस ड्राइंग रीडिंग में आप देखेंगे स्लैब की ड्राइंग में कैसे कैसे डाटा गिवन होते हैं, तो आपको उसको किस तरह से कैलकुलेट करके बनाना होता है। तो ये जो पार्ट है सिंपल यही कॉन्सेप्ट, और इसी पार्ट पर ही एकदम थीम पर ही टू वे स्लैब भी बांधा जाता है, क्लियर। इससे कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है कि आपको कवर करने की ज़रूरत है इसमें। अब बात आती है कि और इसको किस अच्छे वे में समझा जा सकता है, तो ड्राइंग रीडिंग मैंने आपके लिए इस पार्ट में रखा है। होपफुली आपको इस साइड विजिट से, इस वीडियो लेक्चर से समझ में आ गया किस किस तरह से बार लगती हैं। एक बार हम और रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला हमको स्पान लाइन समझना है, शॉर्टर स्पान कौन सा। आप जैसे आपको पता चल जाता है टू वे स्लैब है, तो जो सबसे पहला ये हमारा 13 फीट, ये हमारा 14 फीट, सबसे पहला बार लगता है अलॉन्ग शॉर्टर स्पान, तो ये शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग, तो हमारा सबसे पहला मेन बार, उसके ऊपर जो लगेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेकिन टू वे स्लैब में वो मेन बार जैसे ही एक्ट करता है तो क्लियरली क्रैंक होके लगेगा, अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न में लगेंगे दोनों के दोनों बार। उसके बाद इस क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए, चारों डायरेक्शन के क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्लियर। चारों डायरेक्शन पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लाएगा हमारा। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, क्रैंक अल्टरनेट क्रैंक को ऊपर उसका स्पेसिंग डबल हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए हमारा टॉप एक्स्ट्रा बार वहां पर लगाया जाता है प्रॉपरली टू वे स्लैब के केस में। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब जो इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, जो आपका क्वेरी और क्वेश्चन भी है उससे रिलेटेड, मैं एक वीडियो भी लेके आ रहा हूं आपके पास, जो कि चेयर की, आपने क्वेश्चन था कि सर चेयर किस तरह से काम करती है, तो मैं आपको ये बताऊं चेयर का फंक्शन और इंपॉर्टेंस यहीं समझ लेते हैं प्रॉपरली। ये चेयर हमारा वेस्टेज, जो भी हमारा वेस्टेज बार होता है उससे हमको बनाना होता है इसका, पर्टिकुलरली हमको अलग से कटिंग लेंथ करवा के या उसको एक्स्ट्रा तरह से नहीं बनवाना होता। चेयर का आपका सिंपली रूल है, जो आपका वेस्टेज है वहाँ से आप चेयर बनवाएंगे। अब इस चेयर का इंपॉर्टेंस और फंक्शन समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वीडियो बनाते वक्त मैं स्लैब पर रन कर रहा हूँ। अब स्लैब पर रन होने के वजह से क्या होगा, जो भी हमारा क्रैंक का पार्ट है, जो हमारा क्रैंक का पार्ट होता है, क्योंकि ये डबल मैश बना रहा है, ये नीचे का मैश, ये ऊपर का मैश, ये डबल मैश बना रहा है ऊपर नीचे, तो इस काम करने की वजह से क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बेंड होता है, क्लियर। जैसे हमारे लेबर्स वगैरह वर्कर्स भी इस पर काम करते हैं, तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम से बेंड होता है। और साथ ही साथ जब इसकी कास्टिंग होती है ना, कास्टिंग के वक्त भी क्या है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ लोड इस पर आता है, तो ये कहीं बेंड ना हो, और जो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन है जिसकी वजह से ये दो मैश बनाए ऊपर और नीचे, उस जोन को बचाने के लिए हमको एक चेयर प्रोवाइड करना पड़ता है। इस चेयर को लगाने का सिंपल सा रूल है, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एक ठो
चेयर लगना चाहिए, क्लियर। तो इस चेयर को प्रॉपरली जब हम इसके बीच में फिट करते हैं और सेट करते हैं प्रॉपरली जो हमारे लेबर्स, तो क्या होता है ये जो दोनों मैश के बीच का डिस्टेंस है उसको क्रिएट करने में चेयर हेल्प करती है प्रॉपरली, चाहे फुटिंग का भी डबल मैश की बात करें, चाहे स्लैब की भी जो यहाँ पर जो ऊपर नीचे मैश बन रही है उसके पारे पार्ट में हम बात करें, तो ये क्या करता है आपको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि जब आप कास्टिंग हो, क्योंकि चेयर लगाना कवर लग, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर कवर लगना बचा हुआ है, क्यों बचा है कवर लगना, हम पहले क्यों नहीं कवर लगाते, बाद में क्यों लगाते, क्योंकि देखिए जैसे अभी आपको बताया मैं स्लैब पे आया, वर्कर सब लोग स्लैब पर काम कर रहे हैं, तो अगर अभी से कवर लग जाएगा तो बार बार काम करने की वजह से क्या है वो कवर फेल हो जाएगा, बार बार वो टूटने लगेगा और यहाँ वहाँ वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करेगी। तो उस पार्ट में भी सिमिलरली अगर हम चेयर को भी लगाएंगे पहले से ही, जैसे ही रेनफोर्समेंट लगा देते हैं, तो उस वजह से क्या होगा काम करने से इसका भी डैमेज होगा। तो इसी वजह से जब कास्टिंग होती है, कास्टिंग से जस्ट पहले जब हमारा पूरा का पूरा स्लैब रेडी हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स रेडी हो जाते लग जाते हैं, उसके साथ साथ कवर को लगाया जाता है प्रॉपरली स्लैब में, उसी के साथ साथ जहाँ पर हमारा डबल मैश बन रहा है वहाँ पर हमको चेयर लगाना होता है, उसके बाद ही पूरी की पूरी कास्टिंग होती है, क्लियर इंजीनियर। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपरली बाइंडिंग वायर है इसका क्या पार्ट होता है। जो बाइंडिंग वायर है अगर मैं बात करूँ तो अगर 1000 केजी स्टील लग रहा है ना, अगर 1000 केजी हमारा स्टील लग रहा है तो उसमें नियर अराउंड 9 से 12 केजी के आसपास हमारा बाइंडिंग वायर का इस्तेमाल होता है किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बांधने के लिए, क्लियर है इंजीनियर्स। तो ये पूरा का पूरा पार्ट था जो हमने टू वे स्लैब में कवर किया, होपफुली आपको सारी चीज़ें डिटेल पर समझ में आ गई होंगी। अगर आपको और कोई भी डाउट इससे रिलेटेड तो आप डाउट सेशन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, डिस्कशन में भी लिख सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझसे क्लियर आउट कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो इंजीनियर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल पे वन वे स्लैब के साइट विजिट में, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी, आपने हमारे साथ क्वेरीज भी की थी, तो डिटेल पे मैं आपको यहाँ पर साइट पे रह के पूरा का पूरा साइट विजिट के साथ डिटेल पे बताऊंगा वन वे स्लैब के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी की पूरी वन वे स्लैब की साइट है, यहाँ पर डिटेलिंग पे काम चल रहा है हमारा वन वे स्लैब का, स्पेशली यहाँ पर पूरे जितने भी स्लैब बन रहे हैं लाइन वाइज ये पूरे के पूरे वन वे स्लैब हैं, इसमें आज हम डिटेलिंग में जानकारी लेंगे। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा साइट विजिट। सो इंजीनियर्स, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है हमारे स्लैब में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले जो हमारा पार्ट आता है वो है शटरिंग। यहाँ पर जैसी शटरिंग लग जाता है, शटरिंग के बाद हमको ड्राइंग पे डिटेल पर रीड करना होता है कि जो हमारी बार लग रही है उनकी स्पेसिंग क्या होने वाली है। जैसे ही हमें पता चल जाता है कि उसकी स्पेसिंग क्या है, तो सबसे पहले हम फॉर्मवर्क में देखिए मार्किंग करते हैं। इस तरह की मार्किंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सबसे पहले मार्किंग की जाती है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी मार्किंग की जाती है, जिससे कि आपको बार कहाँ पर आने वाली उससे आसानी हो उस बताने में। मार्किंग करने के बाद जो कि सबसे पहला पार्ट है हमारे स्लैब में अंडरस्टैंड करने का, कि जो ड्राइंग से हमें सेक्शन मिलता है स्लैब का वो वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, उसके बारे में जानकारी हमको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जिस स्लैब पे मैं खड़ा हूँ, जिस स्लैब पर हम बात करने वाले हैं डिटेल पे, वो है हमारा वन वे स्लैब। अभी वन वे स्लैब किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले इसके साइज़ की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा स्पान है ये है 20 फीट का, और ये जो हमारा लॉन्गर साइड है, लॉन्गर स्पान जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ बताना चाहूँगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा स्पान है वो है 40 फीट का, क्लियर। ये 40 फीट का हमारा लॉन्गर स्पान और 20 फीट का है हमारा शॉर्टर स्पान। तो अब जब सबसे पहले हमको ये देखना है कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, सबसे पहले उसके लिए चीज़ें समझते हैं और मैं आपको डिटेल पर बताता हूँ कि जब हम लॉन्गर स्पान अपन शॉर्टर स्पान, जो हमारा वन वे स्लैब निकालने का फॉर्मूला है जैसे कि आपने ऑनलाइन वीडियो में देखा भी है, अगर हम लॉन्गर स्पान 40 फीट अपॉन शॉर्टर स्पान जो कि है 20 फीट को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 2। तो जो भी वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आती है हमारा डिवीजन के बाद तो वो कहलाता है वन वे स्लैब। अगर हमारी वैल्यू लॉन्गर अपॉन शॉर्टर 2 से कम आती है तब वहाँ पर हम टू वे स्लैब को बनाते हैं। तो गाइस जैसे कि हमको पता चला कि 2 हमारी वैल्यू आ रही है तो वो इक्वल टू 2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हमारा वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब के केस में किस तरह से रेनफोर्समेंट लगता है, किस तरह से बार्स लगता है, आइए मैं आपको उसके बारे में डिटेलिंग्स बताता हूँ। सो इंजीनियर्स, मैं आपके लिए एक डायग्राम बना के लेके आया हूँ जिसके हेल्प से आपको बहुत आसानी से वन वे स्लैब को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक स्लैब बनाए हुए हैं, ये यहाँ पर एक स्लैब है, इसके चारों तरफ जो है हमारा बीम का सेक्शन आ रहा है, क्लियर। यहाँ पर इसके चारों तरफ बीम है,
यहाँ पर जो हमारा स्लैब है जिसकी जो यहाँ पर विड्थ है वो है 20 फीट जो कि इसका शॉर्टर स्पान है, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है 40 फीट जो इसका लॉन्गर स्पान है। तो जब हम इसको वन वे स्लैब के फॉर्मूले में डालेंगे, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, अगर उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है तब हमारा कहलाता है वन वे स्लैब। तो यहाँ पर हम देखते हैं 40 फीट बाय 20 फीट हमने किया तो वैल्यू आती है 2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो हमारा कौन सा हो गया वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब में हमेशा हमको ये समझना होता है कि सबसे पहली बार कौन से स्पान के अलोंग बिछने वाली है। तो गाइज एकदम क्लियर है, यहाँ पर कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, चाहे वो वन वे स्लैब हो चाहे वो टू वे स्लैब हो, हमेशा जो इसका शॉर्टर स्पान होता है जो कि कितना है 20 फीट जो इसका शॉर्टर स्पान है, हमेशा सबसे पहली बार जो स्लैब में लगेगी वो अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग लगेगी। क्लियर इंजीनियर्स? अब मैं आपको इसी चीज़ को हमारे स्लैब में भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो स्लैब का पार्ट है ये है इसका शॉर्टर स्पान और ये वाला पार्ट है इसका लॉन्गर स्पान। क्लियर? ये 20 फीट का है और ये लॉन्गर स्पान 40 फीट का है। तो सबसे पहली बार देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए हमारा हो गया फॉर्मवर्क। क्लियर? ये होगी हमारी शटरिंग, इसके ऊपर क्या लगा है हमारा कवर। क्लियर? यहाँ पर हमारा कवर लगा है और कवर के जस्ट ऊपर देखिए सबसे पहली बार कौन सी बिछी है, यहाँ पर देखिए अब जो सबसे पहली बार बिछी है वो बिछी अलॉन्ग शॉर्टर स्पान पर, हमारी सबसे पहली बार बिछी है स्लैब में। तो इसमें कभी भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको कि टू वे स्लैब हो चाहे वो वन वे स्लैब हो, हमेशा और हमेशा जो सबसे पहली बार बिछने वाली है वो बिछेगी अलॉन्ग शॉर्टर स्पान ही। क्लियर इंजीनियर्स? इसमें कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि जब हम एक बार पूरी की पूरी बार को बिछा लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बार्स को बिछाने का काम चल रहा है, वहाँ पर हमारे सभी वर्कर्स लगे हुए हैं, बार को पहले पूरा बिछाना है, बिछाने के बाद प्रॉपरली जो इसका पैटर्न है, जो पैटर्न जिसकी हम बात करते हैं इंडियन पैटर्न अल्टरनेट क्रैंक का पैटर्न, तो वो किस तरह से होता है आइए मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में डिटेलिंग समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें, आइए मैं आपको यहाँ से ही क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी सबसे पहली बार, अभी हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट बार, क्लियर, मेन बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है, इसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग में बात करेंगे। जो हमारी सबसे पहली बार बिछ गई यहाँ पर वन वे स्लैब के केस में, तो उसमें देखिए किस तरह से बार है, यहाँ पर एक क्रैंक बार है, फिर जो उसके जस्ट अपोजिट बार है यहाँ पर जो स्पेसिंग हुआ 100 mm, जस्ट बाजू वाली बार क्रैंक नहीं है, उसके जस्ट बाजू वाली बार फिर क्रैंक आता है, तो ये ऑल्टरनेट क्रैंक पे हमारी बार लगती है। क्लियर? इस वाले साइड में ये जो पार्ट है यहाँ पर ऑल्टरनेट क्रैंक है, यहाँ आप देख सकते हैं, लेकिन इस साइड जो बार बॉटम पे गया है फिर ये नीचे से जा रहा है, फिर यहाँ पर क्रैंक हो गया। तो आइए अब हम चलते हैं इसके अपोजिट साइड चलते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से इसको पैटर्न पे फिट किया गया। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, जब मैं इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पर पहुँचा तो आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाली बार थी वो उस साइड क्रैंक थी, लेकिन इस साइड देखिए नीचे से आई है, वहाँ पर फिर ये देखिए ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पर हमारा वर्क चलता रहता है। तो इस तरह से सबसे पहली चीज़ है जो हमारी बार बिछती है कहाँ पर, फॉर्मवर्क के ऊपर, उसमें अल्टरनेट क्रैंक हमको देना होता है, ये हमारा इंडियन पैटर्न है क्रैंक को बांधने का। क्लियर इंजीनियर्स? तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपरली कि क्या उसका पैटर्न है और किस तरह से वो लगा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो डिटेल में इसका जो पार्ट है कि अब मेन बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है और क्यों ये शॉर्टर स्पान पर सबसे पहले लगती है हमारी बार। तो इसके लिए मैं फिर से आपको डायग्राम पर लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा शॉर्टर स्पान जो कि 20 फीट का है ना, तो अब ये समझना है कि शॉर्टर स्पान में क्यों सबसे पहली बार लगी, लॉन्गर स्पान में क्यों नहीं लगी, है ना, और क्यों वन वे स्लैब में केवल एक ही डायरेक्शन पे क्रैंक आता है और दोनों डायरेक्शन पे क्रैंक क्यों नहीं आता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग क्रैंक आ रहा है। क्लियर? जो इस डायरेक्शन में जो बार्स लगेगी उसमें क्रैंक नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको साइड पे भी दिखाता हूँ, ये देखिए इस डायरेक्शन पे जो इसके लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग जो बार्स लगी, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी क्रैंक नहीं आया है। क्लियर? ये एकदम स्ट्रेट लगा हुआ है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के बार्स के अलॉन्ग क्रैंक आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन के बार के अलॉन्ग क्रैंक आया है, एक डायरेक्शन के बार एकदम स्ट्रेट लगी हुई है। तो इसका क्यों पर्पस है, क्या रीज़न है, आइए मैं आपको डिटेल पर समझाता हूँ। जब इस स्लैब के ऊपर लोड लगेगा, आप ध्यान से समझिएगा, जब इस स्लैब के ऊपर लोड लगेगा तो उस लोडिंग के वजह से क्या होगा, स्लैब का सपोर्ट कौन है, बीम है सारे स्लैब के सपोर्ट, तो क्या होगा, लोड क्या कोशिश करेगा कि मैं जल्दी से अपने सपोर्ट्स पे ट्रैवल हो जाऊं,
ताकि मैं यहाँ पर कुछ कोई भी फेलियर नहीं क्रिएट करूँ, तो लोड क्या कोशिश करेगा, मैं जल्दी से अपने सपोर्ट्स पर ट्रैवल कर लूँ। तो ऐसे कौन से सपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू वो जल्दी से ट्रैवल कर सकता है, वो है शॉर्टर स्पान के सपोर्ट्स, जो कि ये हमारी लॉन्गर बीम कहलाती है। क्लियर है इंजीनियर्स, ये लॉन्गर बीम पर, लेकिन कौन से स्पान है, ये शॉर्टर स्पान। इस स्पान के अलॉन्ग लोड जल्दी से अपने ट्रैवल करके अपने बीम तक पहुंच सकता है। इसी वजह से जहां पर भी हमारी लोडिंग जाती है, जहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है अपने सपोर्ट्स पर, वहां पर ही लगती है हमारी मेन बार। तो ऑब्वियस ही बात है, इसमें जो हमको समझने वाली बात है वो ये है कि जो पहली बार लगी हुई है वो कहलाएगी हमारी मेन बार। क्लियर इंजीनियर्स, तो वन वे स्लैब के केस में जो हमारा सबसे फर्स्ट बार है वो है हमारा मेन बार, जो कि ये सबसे बॉटम पर लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं आपको साइट में कि सर कौन सा मेन बार है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसकी लेंथ क्या होती है, अगर डाया ज़्यादा होता है तो क्या उसको मेन बार कहते हैं, क्या उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जैसे कि जो ये हमारा साइट का स्लैब है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी 10 mm की डाया, 10 mm डाया की बार लगी हुई है, दोनों बॉटम पे भी टॉप पे भी। अब इन दोनों में से कौन सी मेन बार, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी, तो मैंने आपको मेन बार का तो कॉन्सेप्ट बता दिया है कि मेन बार क्यों होगी जो ये बॉटम पर लगी है। क्लियर, अब ऑब्वियस ही बात है इसका डाया भी ज़्यादा होता है, इसका डाया अगर मैक्सिमम है उससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो मेन बार है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के केस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी डाया सेम हो सकता है, लेकिन आपको उसके पर्पस से समझना है कि कौन सी मेन बार है और कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अब जो जस्ट इस मेन बार के टॉप पर उसके ऊपर लगती है वो है हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये जो बार्स आप देख सकते हैं टॉप पर, ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर लगी हुई है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या रोल होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करती है, जो हमारी मेन बार्स हैं उस मेन बार को सपोर्ट करती हैं आपस में एक दूसरे से, और लोड को इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पूरे मेन बार को कनेक्ट करते हुए पूरे अलॉन्ग स्लैब के लॉन्गर स्पान, जो कि मैं आपको ड्रॉइंग पर दिखाना चाहूँगा। अगर हम बात करें इस ड्राइंग पर, तो इस ड्राइंग पर इस डायरेक्शन पे, क्लियर, ये पूरे स्ट्रेट डायरेक्शंस पर जो बार लगेगी 40 फीट के अलॉन्ग, ये हमारी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसमें किसी भी तरह का क्रैंक नहीं आएगा, क्योंकि ये वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब में सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर ही क्रैंक काम करता है। क्लियर है इंजीनियर्स, तो आइए आगे चलते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, क्या इसकी डिटेलिंग्स है। सो इंजीनियर्स, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा सेंट्रल पार्ट है स्लैब का, इस सेंट्रल पार्ट में केवल नीचे ही मैश आ रही है। क्लियर, केवल नीचे ही रेनफोर्समेंट बार्स आ रही है, आप यहां पर देख सकते हैं पूरे सेंट्रल पार्ट में। तो जैसे ही मैं इसके सपोर्ट्स पर पहुंचता हूं, तो सपोर्ट्स में देखिए आपको डबल मैश दिख रहा होगा, ये ऊपर भी रेनफोर्समेंट आ रहा है, इसके ऊपर वाले पार्ट भी और नीचे साइड भी रेनफोर्समेंट है। जब मैं इसके अपोजिट सपोर्ट पे पहुंचता हूं, तो मुझे यहां भी क्या देखने को मिलता है कि यह बॉटम यहां इस सेंट्रल पार्ट पे तो केवल नीचे ही साइड रेनफोर्समेंट है, लेकिन जैसी सपोर्ट्स में पहुंचता हूं तो यहां भी क्या पता चलता है, ऊपर भी रेनफोर्समेंट है और नीचे भी रेनफोर्समेंट। अब इसका क्या पर्पस हुआ कि भैया सेंट्रल पार्ट में केवल नीचे रेनफोर्समेंट है, लेकिन सपोर्ट्स के अलॉन्ग डबल मैश पहुंच रहा है, ऊपर भी सपोर्ट मिल रहा है इसको, नीचे भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है, ये मैं आपको डिटेल पे बताता हूँ। आप यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे होंगे डिटेल पे। क्लियर, यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा। तो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारा स्लैब है, अगर मैं इस ये जो मेरा रेक्टेंगुलर कॉपी है, अगर मैं इसको मेरा स्लैब मानता हूँ, क्लियर है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब इस स्लैब पर लोडिंग का इफेक्ट होगा, जब इस स्लैब पर लोडिंग आएगी, तो ये स्लैब किस तरह से फेल होने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरह से फेल होने की कोशिश करेगा। क्लियर, जब इस पर लोडिंग आएगी तो वो कुछ इस तरह से फेल होने की कोशिश करेगा। तो जब हम इसके सेंट्रल पार्ट की बात करूंगा, मैं स्लैब के सेंट्रल पार्ट, जो कि जिस पार्ट पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इस सेंट्रल पार्ट की बात करूंगा मैं, तो सेंट्रल पार्ट में इस तरह से फेल होने की वजह से पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होता है। अगर हम बात करें कि अगर ये स्लैब इस तरह से फेल हो रहा है, तो इस तरह से फेल होने की वजह से टेंशन जोन कहाँ क्रिएट होगा, नीचे के पोर्शन पर, नीचे के पार्ट में टेंशन क्रिएट होगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका, वहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट जनरेट होने के वजह सिर्फ बॉटम पर रेनफोर्समेंट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि कॉन्क्रीट क्या होता है, वीक होता है टेंशन जोन में। तो इसके बॉटम पर क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट पर हमको सिर्फ और सिर्फ बॉटम पर ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जैसे ही हम सपोर्ट्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो सपोर्ट्स की तरफ जैसे मैं ट्रैवल करूँगा, तो उसमें क्या होता है, ये अपना मूवमेंट चेंज करता है, नेगेटिव मूवमेंट।
पॉजिटिव टू कहाँ चेंज होता है मूवमेंट, इसका नेगेटिव चेंज होता है। तो इस तरह से कुछ इसका शेप बनता है फेलियर होने का, क्योंकि अपने सपोर्ट से उखड़ने का कोशिश करता है। तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सपोर्ट्स में कुछ इस तरह से एक्ट करेगा। तो जब इस तरह से एक्ट करेगा तो इसका टेंशन जोन किधर बन रहा है, इधर ऊपर की तरफ टेंशन जोन आ रहा है, तो इसको ऊपर सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये क्रैंक ऊपर चढ़ के जाती है हमारी पूरी मेन बार। अब आपको रीज़न समझ में आया कि ये क्रैंक क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम सपोर्ट से पहुंचते हैं तो इस तरह से जो नेगेटिव मूवमेंट है इस तरह से इसको फेल करने की कोशिश करता है, तो इसका टेंशन पार्ट है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर। इसको बॉटम पे तो सपोर्ट देना ही देना है, लेकिन कहाँ भी सपोर्ट देना है, ऊपर की तरफ ज़्यादा सपोर्ट देना है हमको। इसी वजह से ये क्रैंक चढ़ के ऊपर की तरफ आता है, किसको रजिस्ट करने के लिए, नेगेटिव मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए। तो ये जो रीज़न मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आपने फोटो में भी देखा इसको क्यों, कि क्यों हम क्रैंक करके ऊपर चढ़ाते हैं बार को। अब बात करते हैं कि क्रैंक डिस्टेंस कितना होता है, क्रैंक की लेंथ कितनी होती है, ये इसका क्या पर्पस है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो हमारा टोटल स्पान है वो है 20 फिट बाय 40 फिट का, तो क्रैंक लेंथ हमेशा L/3 to L/4 डिस्टेंस ऑफ स्पान लेंथ होता है। अगर हमारा 20 फिट का स्पान है तो क्रैंक लेंथ कितनी होगी, तो क्रैंक लेंथ होगी टोटल स्पान 20 फिट अपॉन 3 या 4 जो भी हमारे ड्राइंग पे गिवन है। तो ये जो हमारा टोटल स्पान इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारी, L/3 to L/4, और यहाँ पर L क्या है हमारा, क्लियर स्पान ऑफ द स्लैब। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा क्रैंक है उसकी लेंथ कितनी है, वहाँ पर किस तरह से हमको स्पेसिफिकेशंस को पुट ऑन करना है ड्राइंग को रीड करते हुए। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार किस तरह से लगती है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का पर्पस क्या होता है इसको समझ लेते हैं, अगर हम एक बार तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए क्या पर्पस, इसका बाइंड करना है इसको मेन बार को आपस में, और क्या करना है, आपस में लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए मेन बार का क्या पर्पस है, डायरेक्टली अपने एंड सपोर्ट, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये डायरेक्टली अपने एंड सपोर्ट से लगती है, क्लियर। यहाँ से देखिए आप कहीं पर भी क्रैंक नहीं आया डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, ये अपने एंड सपोर्ट से लगना चालू हुई, यहाँ पर एंड सपोर्ट से लग के पूरी कहाँ तक जाएगी, इसके नेक्स्ट एंड सपोर्ट तक ये पूरी की पूरी ट्रैवल करके जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड तक पूरी स्ट्रेट बार लगी हुई है हमारे वन वे स्लैब में, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपरली पूरी की पूरी स्ट्रेट बार गई है हमारे स्लैब में, और स्ट्रेट बार जाकर कहाँ, अपने एंड बीम पर जाकर वो कनेक्ट हुई है, क्लियर इंजीनियर्स। तो इस पार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का क्या फंक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बार के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा है इसकी स्पेसिंग कितनी है, 100 mm है ना। ये जो हमारा सेंट्रल जोन है यहाँ पर टेंशन ज़्यादा जनरेट होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर देखिए इसकी स्पेसिंग कम है। लेकिन जैसे ही बॉटम पोर्शन पर हम इसके सपोर्ट्स के तरफ जाने लगता हूँ, अब देखिए जैसे मैं इसके सपोर्ट्स के तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ आप गौर करिए, ये जो हमारा एंड बार है इसके जस्ट बाद वाले बार देखिए आप, इनकी स्पेसिंग अलग है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगे बॉटम पर, क्लियर। यहाँ पर देखिए इसकी स्पेसिंग बढ़ गई है, इसकी स्पेसिंग हो गई 200 mm, क्लियर। यहाँ पर इसकी स्पेसिंग बढ़ चुकी है, देखिए क्यों बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट एंड है वहाँ पर मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर क्रिएट होता है, ऊपर वाले पार्ट पर क्रिएट होता है। इसी वजह से ऊपर बार देखिए, ऊपर बार परफेक्ट 100 स्पेसिंग पर लगी हुई है, लेकिन जब हम बात करते हैं बॉटम पे तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर लगी हुई हमारी, इस तरह से प्रॉपरली बार बॉटम पे स्पेसिंग ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट्स पे होता है। तो आपको ड्राइंग को ध्यान से रीड करना है कि जो सेंट्रल पार्ट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही है उसका कटिंग लेंथ क्या होगा, और उसका स्पेसिंग क्या होगा, उसके नंबर ऑफ बार्स कितने निकलेंगे, और जो हमारे एंड पोर्शन पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रहा है उसका कटिंग लेंथ क्या होगा, उसके प्रॉपरली कितने नंबर्स निकलेंगे, इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, हमने बात कर ली अब मेन बार की, हमने बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन बार की, कि क्रैंक क्यों प्रोवाइड किया जाता है ये भी हमने समझ लिया। अब क्रैंक का बाद जो हम बात करते हैं ये है इसके टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का। भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती है, कहां पर लगती है और इसका पर्पस क्या है, इसको समझते हैं। तो गाइज आप यहां पर देखिए, जैसे क्रैंक बार ऊपर चढ़ के आया, क्लियर, ये क्रैंक बार जैसे ऊपर चढ़ के आएगा तो क्रैंक बार को भी तो कुछ सपोर्ट चाहिए ना, ये जो ऊपर चढ़ के आता है उस पार्ट को सपोर्ट चाहिए। तो उस पार्ट को सपोर्ट किस तरह से मिलेगा, अगर ऊपर चढ़ के आएगा, अगर हम इसको ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये तो बेंड हो जाएगा लोड की वजह से, क्लियर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी भी बार हमारी ऊपर क्रैंक चढ़ के आती है वहां पर हम लगाते हैं डिटेल पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। आप ध्यान दीजिए ये वाली बार, ये जो ऊपर लगी हुई है
क्रैंक को सपोर्ट करते हुए ये वाली बार, इन्हें हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो कि सिर्फ क्रैंक लेंथ पे ही लगती है। जो हमारी क्रैंक लेंथ होगी सिर्फ उसी में ही आएगी हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्लियर इंजीनियर्स, आप यहां पर इसको क्लियरली देख सकते हैं। और इसका पर्पस होता है जो हमारा क्रैंक बार है उसको सपोर्ट करना और यहां पर भी आपस में लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रैवल करना। ये हमारा इसका जो वर्क है एक्चुअल, ये इसका पार्ट होता है हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार का, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि आप बोल रहे होंगे सर यहां पर देखिए एक क्रैंक यहां पर आ रहा है, एक क्रैंक यहां पर आ रही है, तो हमने समझ लिया ये हमारी मेन बार हो गई, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई इसको सपोर्ट करने के लिए, ये ऊपर क्रैंक चढ़ गया तो इस क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हमने लगा दी पूरे लेंथ के अलोंग। लेकिन सर ये जो बार दिख रही है, ये वाली एक्स्ट्रा बार, ये कौन सी बार लगी हुई है जो हर पूरे स्लैब के हर एक स्पान में लगी हुई है? तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझिए, ये जो क्रैंक बार है और इसके जस्ट जो ये जो क्रैंक बार और ये मेन बार, दोनों मेन बार के बीच का डिस्टेंस कितना 100 mm। सिमिलरली इस बार और इस बार के बीच का डिस्टेंस कितना 100 mm। लेकिन अगर मैं टॉप पे पहुंचूं तो जैसे ही मैं टॉप पे पहुंच रहा हूं तो टॉप पे पहुंचते ही साथ क्या हो जाता है, इस क्रैंक बार और इस क्रैंक बार के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस, यानी कि 100 और 100 कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। तो यहाँ पर तो हमारा जो बार है जो जितनी रेनफोर्समेंट आनी चाहिए वो कम हो जाती है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, सपोर्ट से कनेक्टेड, जो हमारा सपोर्ट है उससे कनेक्टेड ये वाली बार हमारी कहलाती है टॉप एक्स्ट्रा बार, जो हम केवल क्रैंक लेंथ पे ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली क्रैंक लेंथ के ही अलॉन्ग हमने क्या प्रोवाइड किया है, टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है जो कि सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा लगाते ही साथ जो हमारा डिस्टेंस जो डबल हो रहा था, अब वो एकदम 100 mm का स्पेसिंग में बदल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है टॉप एक्स्ट्रा का कि ये एक्स्ट्रा नेगेटिव मूवमेंट, जो हमारा नेगेटिव मूवमेंट है उसको प्रॉपरली रजिस्ट करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा का इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा लाइन से, आप यहाँ पर देखिए और प्रॉपरली चीज़ों को विजुअलाइज करिए कि यहाँ पर देखिए क्रैंक बार और टॉप एक्स्ट्रा किस तरह से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं क्लियरली क्रैंक बार फिर टॉप एक्स्ट्रा, दो क्रैंक के बीच में एक टॉप एक्स्ट्रा आया है पूरे स्लैब के अलॉन्ग, आप क्लियरली देख सकते हैं इस पार्ट को। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह से एक टॉप एक्स्ट्रा वर्क करता है। अब लास्टली हम एक बार पूरी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियरली फिर से एक बार समझ में आ जाए। क्लियर इंजीनियर्स, तो रिकॉल कर लेते हैं हम इन पार्ट को एक बार और। तो सबसे पहला हमें क्या समझ में आया, जो सबसे पहली बार लगनी हमने स्लैब में वो कौन सी लगने वाली, मेन बार, जो कि ये हो गई है ना, शॉर्टर स्पान के लॉन्ग हमने मेन बार बिछा दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्लियर, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। नेक्स्ट जो बार लगती है वो जो क्रैंक को सपोर्ट करना है, अभी क्रैंक पार्ट को सपोर्ट करना है जो ऊपर चढ़ के गई, तो वहाँ पर कौन सी लगती है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों साइड लगेगी, इस साइड भी लगेगी, अपोजिट साइड भी लगेगी। अब जो नेक्स्ट बार आती है हमारी, वो जो टॉप है, जो हमारी जो टॉप की क्रैंक बार हैं, उन क्रैंक बार का स्पेसिंग ज़्यादा है, तो स्पेसिंग को कवर करने के लिए कौन सी बार लगाते हैं, हम एक टॉप एक्स्ट्रा बार लगाते हैं। तो ये पूरा पार्ट है, ये पूरे एनालिसिस हैं जो हमारे डिटेल पे वर्क करते हैं। एक वन वे स्लैब का जो टेक्निकल पार्ट है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। होपफुली आपकी सारी डिटेल्स और जानकारी बहुत विजुअलाइज हो गई होगी जो भी पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मिलते हैं हम इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल पे बताऊंगा कि कटिंग लेंथ कैसे निकालना है क्रैंक बार का, या फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ किस तरह से निकलेगा, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कटिंग लेंथ निकालना कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है, जो हमारी क्रैंक बार है, उसकी कटिंग लेंथ हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बीम है, बीम की विड्थ है 250 mm, 250 mm से बार हमारी जाएगी 250 mm, प्लस हमारे पूरे ये जो स्लैब का स्पान है 20 फीट का, इससे क्रॉस होगी, इससे क्रॉस होकर कहाँ पर जाएगी, वो हमारी नेक्स्ट बीम पर जाकर वो हमारी बार एंड होगी। हम बात कर रहे हैं क्लियरली सिंपली सपोर्टेड स्लैब के बारे में डिटेल पे। यहाँ पर मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बार की कटिंग लेंथ जो इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जो हमारा
इस तरह का मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन में देखिए हमारी बीम की विड्थ 250, यहाँ पर भी है बीम की विड्थ 250। क्लियर इंजीनियर्स? जो नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पर हमारा बीम पे कवर आएगा, 25 mm का कवर होगा हमारे। सिमिलरली इस साइड भी कवर होगा 25 mm का। तो अगर मुझे इस बार की जो मेरी क्रैंक बार है, जो मेरे पूरे स्पान के अलोंग लगी हुई है, शॉर्टर स्पान के अलोंग, जिसका हम 6 मीटर है जो हमारा स्पान है, उसमें किस तरह से इसकी लेंथ निकलेगी, तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट से यहाँ तक कैलकुलेट करना होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, टोटल विड्थ 250 माइनस 25 mm का कवर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 250 माइनस 25। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, 250 माइनस 25 मैंने यहाँ से लिख लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, मुझे टोटल स्पान चाहिए। क्लियर? टोटल स्पान, तो टोटल स्पान कितना है हमारा, 6 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख लिया प्लस 6000, क्योंकि हमारा स्पान कितना है, 6 मीटर का। उसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, स्पान यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो सिमिलरली यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की कवर छोड़ के कितनी मेरी विड्थ आएगी, 250 माइनस 25। तो यहाँ पर मैंने प्लस किया 250 माइनस 25। ये तो हमने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्रैंक लेंथ। क्लियर? जो हमारी क्रैंक लेंथ है उसकी वैल्यू, जो कि हमारे आईएस कोड पे क्लियरली गिवन है, और फार्मूला भी जो मैंने आपको वीडियो में डिराइव करके बताया, 0.42H, ये हमारी हो गई टोटल लेंथ, जो कि है हमारी क्रैंक लेंथ। अब क्रैंक लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, एच। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना इंजीनियर्स, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एच। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस बार के बॉटम से इस बार के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारा टोटल एच का हाइट। क्लियर है? तो यहाँ पर इस एच पे हमको कैलकुलेट करना है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है एच किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको यहाँ से एच कैलकुलेट कर लेना है, इस फॉर्मूले में आपको एच पुट करना है, और एट द एंड हमको क्या चाहिए, सिर्फ बेंड डिडक्शन। तो यहाँ पर माइनस करना है हमको, कितने बार बेंड हो रहा है, यहाँ पर एक बार बेंड हो रहा है और यहाँ पर एक बार बेंड हो रहा है। तो दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री का हमारा हर जगह बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर दो हमारे बेंड हो रहे हैं, कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। तो 45 डिग्री के लिए हम क्या लेते हैं, 1 × d, और डाया कितने हमारे स्लैब का, 10 mm। तो ये हमारा एक्चुअल कटिंग लेंथ बताएगा हमारे इस बार का। क्लियर इंजीनियर्स? ये हमारा कटिंग लेंथ बताएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बार की कटिंग लेंथ निकालनी है, कि जो इस पूरे स्लैब में लगने वाला है पूरे लॉन्गर स्पान के अलोंग, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को समझना होता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रही है इसमें क्या आएगा, ये बीम माइनस कवर यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर भी हमारा एक कवर आएगा। तो सिमिलरली एकदम सिंपल है, यहाँ से हमने किया 250 माइनस कवर जो कि 25 इंटू 2 कर देता हूं मैं, क्योंकि यहां पर भी सेम 250 माइनस कवर, यहां पर भी 250 माइनस कवर, और ये हमको कितना करना है, 40 फिट। तो हमने इसको किया 12 मीटर। तो यहां पर क्योंकि ये स्ट्रेट लग रही है, यहां पर कोई भी एंगल पे बेंड नहीं हो रहा है, तो एकदम सिंपल से यहां से हमको इसका कटिंग लेंथ मिल जाएगा। तो इस तरह से इंजीनियर्स हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉपरली कटिंग लेंथ किस तरह से निकालना है हमारे बार की स्लैब के स्पान को समझते हुए। तो इतने इजीनेस के साथ आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वीडियो को फॉलो करते हुए आप इन सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो इंजीनियर्स होपफुली वन वे स्लैब का जो डिटेलिंग्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर आइडिया हो गया होगा, क्लियर नॉलेज हो गया होगा कि किस तरह से साइट पे आपको काम करवाना है, क्या टेक्निकल इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वन वे स्लैब बनता है। होपफुली इस सारी चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे और अलग अलग चीज़ों के बारे में साइट विजिट से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।